केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को लोकसभा में कथित फ्लाइंग किस के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की और उन्हें महिला विरोधी बताया। स्मृति ने कहा कि सदन में ऐसा अभद्र व्यवहार उन्होंने कभी नहीं देखा। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. aisi garima vihin acharan ko is desh ke sadan mein kabhi nahi dekha gaya. ye us khandan ke lakshan hai yaad sadan mein desh ko pata chale. बीजेपी के महिला सांसदों ने बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और राहुल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान स्मृति ईरानी की ओर अनुचित इशारा किया। आज पार्लियामेंट का अंदर राहुल गांधी का भाषण खत्म होते होते महिला का प्रति मिसबिहेवियर दिखाया। ये तो महिला हम देख रहे थे, स्मृति ईरानी खड़े होके बोल रही थी, बोलने का आरंभ किया, उसी समय महिला को अपमान किया, महिला को देख के प्लेन किस किया। ये पहली बार पार्लियामेंट में ऐसा बिहेवियर एक मेंबर ने कर रहे हैं, इसलिए हम स्पीकर को कंप्लेंट दिया है एंड कंप्लेंट के ऊपर वो सीसी कैमरा का फुटेज लेके उसको कार्यवाही करना, बहुत स्ट्रिंजेंट कार्रवाई लेना, ऐसे हम रिक्वेस्ट किया है। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए ईरानी ने कहा कि महिला विरोध करना गांधी परिवार के लक्षण रहे हैं। नेवर बिफोर हैज द मिसोजिनिस्टिक बिहेवियर ऑफ अ मैन बीन सो विजिबल इन पार्लियामेंट एज व्हाट वाज डन बाय श्री राहुल गांधी टुडे। व्हेन द हाउस ऑफ द पीपल वेयर लॉज आर मेड टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन During the course of a session stands witness to a man's misogyny. My question is, should he be brought to task? राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियाँ अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है, मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस करने का आरोप लगाकर उनके भाषण से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। Divert the attention from the import of his speech. That's unfortunate. They should really focus on the content of his speech and to and address the concerns he's raised there. I'm not aware of the sidetracking strategy of the BJP. किस बात की आपत्ति है? आज हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। अगर एज एन अफेक्शनेट जेस्चर उन्होंने किया है जो किया है, इतनी नफरती आवाज़ें उनके खिलाफ बोलती हैं, इतने नफरत से उनके बारे में बोलती हैं, उनको पार्लियामेंट से बेदखल करते हैं, उनको उनके घर से बेदखल करते हैं, और वो एज अ जेस्चर ऑफ अफेक्शन अपना प्यार दिखा रहे हैं। आप लोग कुछ चिड़ मच रही है, वो आपकी दिक्कत है, हमारी ये स्मृति ईरानी जी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो राहुल फोबिया में रहती है और राहुल गांधी जी का कोई भी चीज़ का कोई भी बात करते हैं उसका वो कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलती है, इस उनका ये फोबिया छोड़ना चाहिए।